अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरुहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को जियो के फीचर फोन के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जियो अपने अपार्ट फ्रॉम ये जियो की सिम कार्ड के सबसे पहली चीज जो वो लॉन्च करेगा ऑफिशियली, वो जियो का फीचर फोन होगा जो कि जून में लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे ये खबर मेरी तरफ आई है तो मैंने आप लोगों को सोचा शेयर कर दूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। उसके बाद जियो अपना सेटअप बॉक्स, ब्रॉडबैंड और जो भी लॉन्च करेगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे खबरें आ रही कि जियो जून के अंदर अपने जियो का सबसे बजट 4G वोल्टी सपोर्ट फीचर फोन जो वो लॉन्च करेगा। यहां पे हमें सभी को पता है कि जियो का फीचर फोन तो आने ही वाला था, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस फीचर फोन में हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स इस फीचर फोन के बारे में जो वो देने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं जियो के फीचर फोन से, उसकी डिज़ाइन से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो का जो फीचर फोन होगा वो नॉर्मली दूसरे फीचर फोन जैसे होते हैं, कुछ इस तरीके का फीचर फोन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि कीबोर्ड होता है सामने। ये पहले रूमर आ रहे थे कि जियो का फीचर फोन जो होगा वो फ्लैप में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली छोटा फोन होगा जहाँ पे हमें कीबोर्ड देखने को मिलेगा और कुछ जैसे कि प्लास्टिक बॉडी की डिज़ाइन होती है, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में हमें जियो का फीचर फोन जो वो देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जियो का ये जो फीचर फोन होगा ये सबसे बजट कैटेगरी का फोन होगा जिसके अंदर हमें 4G सपोर्ट मिलेगा। आप इसके अंदर ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, 4G सपोर्ट जैसे कि आप इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जियो का सिम कार्ड डाल के यूज करेंगे। साथ में आपको इसके अंदर एक और जो फीचर मिल रहा है वो आपको वोल्टी सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप अपने डायलर में जाकर डायरेक्टली जो वो कॉल कर सकते हैं 4G सपोर्ट से। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। हालांकि काफी सारे फीचर्स अभी मार्केट में आए हैं लेकिन उनकी प्राइसिंग जो काफी हाई है, 3,000 रुपए के ऊपर चले जाती है। इस हिसाब से जो जियो प्राइस दे रहा है, यहाँ पे इस प्राइस के अंदर आपको 4G सपोर्ट मिलता है, साथ में आपको वोल्टी यहाँ पे फीचर भी जो देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस फोन की फीचर ये कि बताया जा रहा है कि जियो का ये जो फोन होगा इसके अंदर हमें हॉटस्पॉट सपोर्ट जो वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो फीचर फोन्स काफी सारे आज जो मार्केट में आए हैं, सारे फोन्स के अंदर हमें सिर्फ 4G वोल्टी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन किसी में भी हॉटस्पॉट का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इस फोन में बताया जा रहा है कि वाईफाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये फोन हॉटस्पॉट सपोर्ट करेगा। जैसे कि हम इस फोन में जाके दूसरे फोन के अंदर पोर्टेबल हॉटस्पॉट टेथर करके हमारे दूसरे स्मार्टफोन में भी जो 4G फीचर यूज कर सकते, तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर ये फीचर इसमें आता है, यहाँ पे खबरें तो आ रही कि ये फीचर भी आएगा, क्योंकि जियो के फोन के अंदर जो सिम कार्ड हम यूज करते हैं ये सारे से ज्यादा आज लोग जो पोर्टेबल ही करते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट यूज करते हैं। तो ये फीचर फोन में भी हमें ये फीचर जो वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जियो के फोन के अगर सॉफ्टवेयर की बात करते तो अनफॉर्चुनेटली इस फोन में हमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अंदर हमें जावा OS देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो जावा OS होगा, यहाँ पे पहले से ही हमें प्री इंस्टॉल्ड फेसबुक, ट्विटर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपको इनका खुद का एक स्टोर मिलेगा जहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप वगैरह दूसरे पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस फोन के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे हम दूसरे फोन से APK फाइल्स वगैरह शेयर करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। लेकिन ये खबरें जहाँ पे इतने आ रही है कि आपको इनके खुद का एक OS मिलेगा जहाँ पे खुद के आपको इनके प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलेंगे और खुद का यहाँ पे इनका जो वो प्ले स्टोर जैसा भी जो आपको मिलेगा। और साथ में आपको हार्डवेयर की यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा इसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको एक TFT का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें आपको नोकिया के 3310 भी जो आने वाला उसमें मिलने वाला है। कलर डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपको ये जो फोन होगा इसके अंदर जो रिसेंटली रूमर आ रहा था कि Qualcomm का 205 का चिपसेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फोन में वाईफाई देखने को नहीं मिलेगा। वो जो प्रोसेसर है Qualcomm का वो वाईफाई सपोर्ट लेके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। नॉर्मल सा एक बेसिक सा स्मार्टफोन मैं कहूंगा फीचर फोन होगा जो हमें, लेकिन काफी सारे अच्छे फीचर्स दे रहा है, जो आपको इस बात से तो वो सहमत हो जानी चाहिए। और यहाँ पे फाइनली इस फोन की प्राइसिंग की बात करते तो बताया जा रहा है कि ये जो फोन होगा वो 1500 रुपीज के नीचे होगा और 1000 रुपीज के बीच में, यानी कि 999 से स्टार्ट होगा और 1500 रुपीज का मैक्सिमम प्राइस होगा। अब आपको मैं कैसे कहूँ यार, 1500 रुपए में आपको 4G वोल्टेज फीचर फोन मिल रहा है जहां पे आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आपको एप्लीकेशन मिल रहा है। रूमर आ रहा है कि जियो के सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन वाले जो आएंगे, जियो टीवी, जियो सिनेमा वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड हो गए, तो ये फीचर भी आप इसके अंदर उठा सकते हैं। ब्राउजर होगा और बहुत सारी चीजें आप फिर 1500 रुपए में कर सकते, तो और हमें क्या चाहिए। साथ में पोर्टेबल भी होगा, हॉटस्पॉट लगा के दूसरे फोन में भी आप जो वो सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फोन टोटली विनर है। और इस प्राइस में अगर आप लोग, काफी सारे लोग बेचारे बजट में अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको स्मार्टफोन यूज करने नहीं आता है, वो ये फोन परचेस करके यूज कर सकते हैं। इसीलिए मुझे जियो की ये बात काफी अच्छी लगती है कि जियो बहुत ही अच्छी चीजें लेके आ रहा है और जो फोकस कर रहा है वो ऐसे सिटीजन्स पे फोकस कर रहा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पे उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मैंने जियो के फीचर फोन के बारे में कुछ हिंट दे दिया, कुछ डिटेल्स दे दिया और लॉन्च डेट के बारे में भी बता दिया हो। यहां पे उम्मीद करता अगर हमें इन्विटेशन आता तो हम यहां पे जाके आपको हैंड्स ऑन दे देंगे और आप लोगों को ऐसे जियो के बारे में अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।